ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा ऑपरेशन जीवन रक्षा चलाकर यात्रियों की जान बचाने का सराहनीय कार्य रेलवे पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा है। ऐसा ही एक और हादसा गोंदिया से सामने आया है। अक्सर देखा जाता है कि जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ने अथवा उतरने के दौरान यात्रियों का हाथ पैर फिसल जाता है और वे ट्रेन के नीचे आने के जोखिम के साथ फिसल जाते हैं। ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों की रक्षा के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहकर उनके जीवन की रक्षा का कार्य किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन गोंदिया के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर गाड़ी क्रमांक 12807 समता एक्सप्रेस पहुंची तथा 11:55 पर अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना होने लगी। उक्त गाड़ी के कोच नंबर B3 में एक महिला यात्री सवार हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि वो गाड़ी क्रमांक 12843 की जगह दूसरी गाड़ी क्रमांक 12807 समता एक्सप्रेस में बैठ गई है, तो उसने हड़बड़ाहट में चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ी और गाड़ी एवं प्लेटफॉर्म के मध्य गैप में जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई। उक्त महिला यात्री समता एक्सप्रेस के ट्रेन के चपेट में आकर अनपेक्षित घटना की शिकार हो सकती थी, लेकिन रात्रि पाली ड्यूटी में तैनात आरपीएफ पोस्ट गोंदिया के आरक्षक प्रमोद कुमार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त महिला यात्री अपूर्वा मंडलिकर को सुरक्षित रूप से अपनी ओर खींच लिया गया, जिससे वो हादसे का शिकार होने से बच गई। उक्त घटनाक्रम प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। केसरी उजाला न्यूज के लिए गोंदिया से रवि आर्य की रिपोर्ट।